तो इस तस्वीर में आप ये छोटे से कीड़े जैसा कुछ देख रहे हैं, ये एक बेबी ऑक्टोपस है जो अपने जन्म के वक्त एक मटर के दाने के बराबर होता है। इन्हें आप अपनी हथेली पर भी रख सकते हैं क्योंकि एक फीमेल ऑक्टोपस एक बार में 60,000 से 3 लाख तक अंडे देती है और इसलिए इनका साइज़ छोटा होता है। और तो और फीमेल ऑक्टोपस इस अंडों को अपने पेट में 4-5 महीने तक रखती है और जब अंडे देने का वक्त आता है तो फीमेल ऑक्टोपस किसी चट्टान या सेफ जगह जाकर अपने अंडों के साथ सुरक्षित बैठी रहती है और वो तब तक वहाँ बैठी रहती है जब तक उन अंडों से बच्चे बाहर निकल नहीं जाते, जब तक ये फीमेल ऑक्टोपस ना शिकार करती है ना ही कुछ खाती है। और जब लगभग 1 महीने के बाद इन अंडों के से बच्चे बाहर आने लगते हैं तब तक ये मदर ऑक्टोपस इतनी कमज़ोर हो चुकी होती है कि ये फिर अपना दम वहीं तोड़ देती है और धीरे धीरे करके उन अंडों में से एक एक करके बच्चे बाहर निकलने लगते हैं। और इन बच्चों को कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ऑक्टोपस के बच्चे बचपन से ही अकेले सर्वाइव करना सीख लेते हैं और साथ ही ये बेबी ऑक्टोपस हर महीने अपना वेट 2 गुना बढ़ा लेते हैं, इसलिए एडल्ट होने पर इनका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है। ऐसे ही क्रेजी फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।